क्योंकि आज अखिलेश यादव नामांकन भी करने वाले हैं। 12 बजे हमारी नजर है और वहां पर मेरे सहयोगी अशोक तिवारी लगातार बने हुए हैं। अशोक तिवारी, कन्नौज सीट तो अब पहले से ही हॉट सीट है, फाइट अब बड़ी हो गई है अखिलेश यादव के एक बार फिर से मैदान में उतरने से। देखिए, निश्चित तौर पर कन्नौज की सीट को वैसे भी बहुत अहम माना जा रहा था, क्योंकि एक लंबे समय तक समाजवादी पार्टी का कब्जा इस सीट पर रहा है। हालांकि पिछले लोकसभा के चुनाव में बीजेपी ने इस सीट पर कब्जा किया था, जीत हासिल की थी, लेकिन उसके बाद से लगातार ही समाजवादी पार्टी के नेताओं ने यहाँ पर अपने दौरे कम नहीं किए, लगातार यहाँ के लोगों के से उनकी मुलाकात और बातचीत का सिलसिला जारी रहा। आपको ध्यान होगा कि जब उत्तर प्रदेश में गठबंधन का स्वरूप तय नहीं किया गया था, उसके बावजूद अखिलेश यादव लगातार कन्नौज के लोगों से अलग से मुलाकात बातचीत भी करते थे, उनके साथ बैठ के भी करते थे। और अभी जब कुछ दिन पहले कन्नौज से तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया गया था, तो उसके बाद भी कन्नौज के तमाम सारे जो संगठन के नेता थे, उन्होंने अखिलेश यादव से लखनऊ में जाकर मुलाकात की थी और ये कहा था कि अगर वो इस सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे तो इस सीट पर जीत लगभग सुनिश्चित मानी जाएगी। और तेज प्रताप यादव की दावेदारी को लेकर भी तमाम तरह के इनपुट उनकी तरफ से दिए गए थे। तो फिलहाल अब अखिलेश यादव ने कल जब समाजवादी पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पर इस बात का ऐलान किया गया कि अखिलेश यादव ही यहाँ से चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का, तो उसके बाद से यहाँ पर कार्यकर्ताओं में आप कह सकते हैं कि जबरदस्त उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है। मैं आपको जो समाजवादी पार्टी का ऑफिस है कन्नौज में, वहां की तस्वीर दिखा देता हूं कि ये देखिए, चूंकि आज अखिलेश यादव को अपना नामांकन भी दाखिल करना है, लिहाजा उसके पहले जो समाजवादी पार्टी का दफ्तर है कन्नौज में, वहां पर जबरदस्त भीड़ को मिल रही है। तमाम सारे जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो भी लगातार यहां पर आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले नरेश उत्तम पटेल, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो यहां पर पहुंचे थे। इसके अलावा प्रोफेसर राम गोपाल यादव भी यहां पर पहुंच चुके हैं और समाजवादी पार्टी के तमाम सारे पूर्व मंत्री और जो पूर्व विधायक हैं, सिटिंग विधायक हैं, उनके भी लगातार यहां पर आने का सिलसिला देखा जा रहा है। तो सुबह से ही समाजवादी पार्टी के दफ्तर में बहुत गहमा गहमी है अखिलेश यादव के नामांकन को लेकर। और अयोध्या से जो समाजवादी पार्टी सरकार मंत्री रहे पवन पांडे, देखिए वो भी यहां पर आ गए हैं। पवन जी, मुझे बताइए कि ये अखिलेश जी के चुनाव लड़ने के पीछे का मकसद क्या है? मतलब पहले ये कहा जा रहा था कि शायद वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब वो लड़ रहे हैं तो कन्नौज से लड़ रहे हैं, क्या मैसेज है? कन्नौज की जो देवतुल्य जनता है, जनार्दन है यहाँ के, वो सब अखिलेश जी को बहुत मानते हैं और अखिलेश यादव जी यहाँ से लोकसभा का आज नामांकन करने जा रहे हैं। ये इत्र की नगरी है, प्यार और मोहब्बत की नगरी है और जो अयोध्या की, ये कन्नौज की जो खुशबू है, यहाँ की हर खुशबू में श्री अखिलेश यादव का नाम है। और अखिलेश यादव जी यहाँ से प्रचंड बहुमत से जीतने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं हजारों की भीड़ है, जनता खुद घर से निकलकर अखिलेश यादव जी को लड़ाने के लिए और जिताने के लिए आतुर है। अच्छा, मुझे बताइए कि पिछली बार का जो चुनावी परिणाम था वो बीजेपी के पक्ष में गया था, तो क्या समाजवादी पार्टी इस बात को मान रही है कि अगर अखिलेश जी खुद चुनाव लड़ेंगे तो ये सीट लगभग जीत पक्की मानी? अखिलेश यादव जी प्रचंड वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। कन्नौज की जनता श्री अखिलेश यादव जी को चुनाव जिताने का मन बना चुकी है और आज कन्नौज की हर गली, हर घर, हर सड़क से श्री अखिलेश यादव जी और साइकिल निशान की आवाज आ रही है। तो ये पूर्व मंत्री रहे हैं समाजवादी पार्टी की सरकार में पवन पांडे, अयोध्या से इनका ताल्लुक है, उनको आप सुन रहे थे। और भी तमाम सारे जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनसे बात करता हूँ। ये देखिए, हमारे साथ एक महिला नेता समाजवादी पार्टी की हैं। ये अखिलेश जी आज नामांकन करने जा रहे हैं, क्या माहौल है? जबरदस्त माहौल है, आपको देख रहा है चारों तरफ, पूरे कन्नौज में और पूरे उत्तर प्रदेश में खुशी की हलचल है। हम लोग सिद्धार्थ नगर से आए हैं और हर घर में दीप जल रहा है। आज जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो ये जान रही कि मेरा बेटा फिर से दिल्ली में, हम गरीब महिलाएं, बच्चों, गरीब किसानों की आवाज़ उठाने के लिए दिल्ली पहुँच रहा है और एक पूर्ण विशाल बहुमत से इतिहास रचने जा रहा है माननीय अखिलेश यादव जी। अब की बार उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश से सदन में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने जा रहा है, निर्विरोध, मैं कहूंगी निर्विरोध जीतने जा रहा है। बीजेपी का उम्मीदवार है यहाँ पे, उम्मीदवार है लेकिन जनता का उम्मीदवार नहीं, जनता का उम्मीदवार केवल अखिलेश यादव। चलिए, ये समाजवादी पार्टी के तमाम सारे नेता हैं, बहुत जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है यहाँ पर कन्नौज में समाजवादी पार्टी का ऑफिस है। ये देखिए, तमाम सारे जो पार्टी के पुराने नेता हैं उनको भी आप यहाँ तस्वीरों में देख पाएंगे, लगातार अखिलेश यादव के नामांकन में शामिल होने के लिए जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको आप देखिए, न सिर्फ कन्नौज बल्कि आसपास के जो जनपद हैं वहाँ से भी समाजवादी पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता उनके नामांकन में शामिल होने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये एक मंच भी है मेरे बगल में जिसपे आप देख पा रही है कि कुछ नेता मंच पर मौजूद भी हैं। दरअसल अखिलेश यादव अपने नामांकन के बाद यहाँ पर एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं, क्योंकि नामांकन में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ लेकर जाने का अब जो आचार संहिता उसका पालन करना होगा, लिहाजा बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ उनके साथ नामांकन में नहीं जाएगी, यहाँ पर वो जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आप देखिए कि ये जो पार्टी दफ्तर का मेन गेट है यहाँ पर भी आप देखिए
लगातार समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता चाहे वो कन्नौज के हों या दूसरे जनपदों के हों वो अखिलेश यादव के नामांकन में शामिल होने के लिए लगातार यहाँ पर पहुँच भी रहे हैं। तो ये तस्वीर फिलहाल जो कन्नौज है जहाँ से आज अखिलेश यादव अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं वहाँ पर फिलहाल जरा बात करते रहिए, सबका उत्साह दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, मैं कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए क्या नाम है आपका, क्या नाम है भैया आपका, बात नहीं रहे, क्या नाम है सर आपका? शैलन सिंह। कहाँ से हैं? यहीं कन्नौज से। ये अखिलेश जी आज नामांकन करने जा रहे हैं, कितना प्रभाव होगा? यहाँ पूरे प्रभाव है और यहाँ नहीं, पूरे प्रदेश में बदलाव की लहर है और देश प्रदेश में नहीं, देश में बदलाव की लहर है। ये जो झूठे जुमले जो 10 साल से बोल रहे हैं, सिर्फ धर्म के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर और गांधी परिवार के नाम पर, ये चुनाव इतने चुनाव हो गए इसी पर लड़ रहे हैं ये। इसके अलावा इनके पास कोई प्रधानमंत्री जी के पास कोई बात ही नहीं है, बेरोजगारी कोई बात नहीं है, नौकरियों कोई बात नहीं है, महंगाई कोई बात नहीं है। अब ये मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, जब 14 में आए तो सोना कितने रुपए तोला था, आज कितने रुपए 1 लाख पहुंचने जा रहा। जो गरीब बेटी के पैर पूजना चाहते हैं, जो गरीब बेटी को अपना छोटी सी एक तोहफा अंगूठी के रूप में देना चाहते हैं, क्या वो गरीब की बात कर रहे हैं? क्या वो बनवा पाएगा अपनी बेटी के लिए? महंगाई, महंगाई मुद्दा होना चाहिए चुनाव, महंगाई मुद्दा होना चाहिए, बेरोजगारी नौकरी का मुद्दा होना चाहिए। ये मुद्दे चुनाव में दिखते नहीं है, दिखते नहीं इसलिए कि मीडिया दिखाता नहीं है। नंबर एक है, मीडिया अगर दिखाने लगे तो सब मुद्दे, मीडिया की जो भाषा है वो मोदी की भाषा है। चलिए बढ़िया है, ये बात आपने अच्छी कही, इस तरह के तो खैर आरोप लगते ही रहते हैं। एसटी हसन साहब मुरादाबाद के पूर्व सांसद हैं। सर मुझे ये बताइए कि अखिलेश जी आज नामांकन करने जा रहे हैं, आप मुरादाबाद से यहाँ पर आए हैं, क्या माहौल लग रहा है पार्टी का? बहुत अच्छा माहौल है, मुझे ऐसा लगता है कि 80% वोट अखिलेश जी के साथ है और क्यों ना हो, देश का इलेक्शन है ये, देश को बचाने का है, लोकतंत्र को बचाने का है, संविधान को बचाने का है और जो सिर्फ अखिलेश यादव जी के ही लीडरशिप में बचाया जा सकता है। अच्छा मुझे बताइए, पहले चरण का मतदान हो गया है, पहले चरण में आप लोग कितनी अनुमानित सीटें मान के चल रहे हैं गठबंधन की? बीजेपी की बौखलाहट से आप अंदाजा लगा लिए कि हम कहाँ हैं, वो कहाँ हैं, प्रधानमंत्री जी के कैसे कैसे स्टेटमेंट आ रहे हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये एसटी हसन है, मुरादाबाद के सांसद हैं। इस बार हालांकि उनको टिकट नहीं मिला है लिहाजा वो चुनाव नहीं लड़े हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के वर्कर्स, ये भीड़ देखिए, ये समाजवादी पार्टी का जो दफ्तर है वहाँ पर आप देखिए कि अखिलेश यादव के नामांकन से पहले यहाँ पर सजावट भी है, साज सज्जा भी है, तमाम सारे जो पार्टी के नेता हैं उनको आप लगातार देख भी पा रहे हैं कि कैसे वो अखिलेश यादव जी के नामांकन में शामिल होने के लिए अलग अलग जनपदों से आ भी रहे हैं। मैं कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ, तस्वीरें मैं अपने कैमरा सहयोगी मिट्टू सिंह से कहूँगा कि वो तस्वीरें लगातार यहाँ पर दिखाते रहें कि क्या स्थिति फिलहाल जो समाजवादी पार्टी का दफ्तर है वहाँ पर देखने को मिल रही है। ये देखिए, ये जो और जो बाकी नेता हैं समाजवादी पार्टी के वो भी देखिए यहाँ पर मौजूद हैं, और आईपी सिंह जी समाजवादी पार्टी के काफ़ी सीनियर लीडर हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आईपी सिंह जी मुझे ये बताइए कि अखिलेश जी आज नामांकन करने जा रहे हैं, क्या माहौल दिख रहा है? जबरदस्त माहौल है, जनता बहुत खुश है, बहुत समय बाद अपने लोगों के बीच माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी को पाकर लोग चारों तरफ आप देखेंगे उत्साही उत्साह नज़र आ रहा है। और इसी के साथ ये ऐतिहासिक नगरी है कन्नौज, रोमा कम्युनिटी के 5 से 10 करोड़ लोग यूरोप में बसे हुए हैं, वो धरती ये है कन्नौज की, इतिहास बहुत प्रॉस्पेरस रहा है और एक बार फिर से हम 2004 दोहराने जा रहे हैं और श्रद्धेय नेताजी को 39+ जो है 40+ जीत कर विनम्र श्रद्धांजलि दी जाएगी। और बीजेपी जिस तरह से 2004 में उत्तर प्रदेश के कारण बाहर हो गई थी, अशोक जी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश इतिहास लिखने जा रहा है और हम इतिहास रचने जा रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि यूपी में 40+ सीटें गठबंधन जीतने जा रहा है? गठबंधन 40 सीटें तो हम जीतने जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी 56 सीटें हम जीत सकते हैं, जबरदस्त फाइट है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री जी को जब ये पता चला, मैं नहीं समझता कि आप इसको दिखाएंगे, जब प्रधानमंत्री जी को पहले चरण में जब एग्जिट पोल की रिपोर्ट आई तो पूरी तरह वो डेस्परेट हो गए, और यही कारण है कि वो विकास की बात छोड़कर
वही हिंदू और मुसलमान करने लगे और अनाप शनाप बातें कर रहे, क्योंकि बीजेपी जब हारती है तो ऐसे ही नाटक करती है, वही फिर राम मंदिर की बात करेगी, वही हिंदू मुसलमान की बात करेगी। लेकिन निश्चित तौर से इंडिया गठबंधन की मजबूत सरकार बनने जा रही है और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का दूसरा सबसे बड़ा दल होगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका देश में एक नंबर या दो नंबर पर होगी। अच्छा, मुझे बताइए कि शुरुआत में ये चर्चा चल रही थी कि अखिलेश जी इस बार लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, पहले तेज प्रताप यादव जी को यहाँ से टिकट दे दिया गया, फिर अचानक ये खबर आ गई कि अखिलेश जी चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। कोई राजनीतिक मैसेज है क्या कि अखिलेश जी चुनाव लड़ेंगे तो कुछ माहौल बन जाएगा? देखिए, राजनीति के जितने मजे खिलाड़ी माननीय अखिलेश जी देश में है शायद कोई दूर दूर तक नहीं है। इसलिए उन्होंने बार बार जो गोदी मीडिया है, जो भारतीय जनता पार्टी है, उसको बार बार समझाने की कोशिश करी है कि आप सेंधमारी करना चाहे उत्तर प्रदेश में तो नहीं कर सकते हैं और हम दमखम के साथ उत्तर प्रदेश में हर सीट पर, तो माननीय अध्यक्ष जी ने कहा भी है कि हम 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। ये संभावना पूरी है कि पूरी तरह बीजेपी का उत्तर प्रदेश से सफाया हो जाए। आईपी सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, पुराने नेता भी हैं, तो ये इस तरह का माहौल फिलहाल समाजवादी पार्टी के दफ्तर में देखने को मिल रहा है। ये देखिए, और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो लगातार नामांकन के पहले यहाँ पर आपको तस्वीरों में साफ तौर पर नजर भी आ रहे होंगे। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। समाजवादी पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जूही सिंह, वो भी यहाँ मौजूद हैं, एक बार उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। जूही सिंह जी, आज अखिलेश जी का नामांकन होने जा रहा है तो क्या माहौल आपको नजर आ रहा है? उत्सव है, कन्नौज हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सीट है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहले भी यहाँ से सांसद रह चुके हैं और बहुत काम किया है उन्होंने, तो हमारे लिए और कन्नौज की जनता की मांग पर वो सांसद यहाँ से लड़ रहे हैं, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये अखिलेश जी के चुनाव लड़ने के पीछे कोई और वजह है क्या कि माहौल बनेगा पार्टी का, कुछ ऐसा है क्या? माहौल हमारी पार्टी का ऑलरेडी है और कन्नौज की जनता की मांग है, यहाँ का बच्चा बच्चा चाहता है कि हमारे सांसद आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों और इसके पहले सांसद मैनपुरी यहाँ की सांसद रही थी तो उनकी मांग पर वो यहाँ आए हैं। मतलब कार्यकर्ता चाहते थे वो चुनाव लड़े, तो क्या मुद्दे आपको नजर आ रहे हैं? आप तो पूरे प्रदेश दौरे भी कर रही हैं, तमाम सारी जगहों पर आप गई हैं, क्या मुद्दे नजर आ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है, उन्होंने कोई काम नहीं किया। सुब्रत पाठक गुंडागर्दी करते हैं, यहाँ लोगों को पीटते हैं। बीजेपी के उम्मीदवार की बात कर रही हैं आप जी, और हमें वो बताएं कि जो ठटिया मंदी थी वो क्यों आधी पूरी नहीं हुई है, जो यहाँ पर इंडो इजराइल प्लांट लगा था जिससे हम किसानों की मदद करने वाले थे उसको क्यों बंद करा दिया गया, उन्होंने क्या काम यहाँ किया है झूठ बोलने के अलावा? यहाँ से मंत्री भी हैं, उनका भी स्टेटमेंट मैंने सुना, वो मंत्री भी बता दें कि उन्होंने क्या काम किया है यहाँ पर। सरकार डेवलपमेंट मुद्दा होगा इस बार कन्नौज में? कन्नौज हमेशा विकास का केंद्र रहा है, चाहे वो सौर्य ऊर्जा हो, चाहे किसान हो, चाहे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हमेशा चाहे यहाँ का मिल्क प्लांट हो, हर चीज जो है वो राष्ट्रीय हुई है और वो विकास को आगे बढ़ाएंगे। बहुत धन्यवाद। ये जूही सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और भी तमाम सारे लोग आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। राम गोविंद चौधरी जो कि नेता प्रतिपक्ष रहे हैं सदन में, उनको आप तस्वीरों में देख रहे हैं, और भी ऐसे बहुत सारे नेता आज अखिलेश यादव जी के नामांकन में शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। तो तस्वीरें मैं आपको लगातार कन्नौज की दिखा रहा हूँ, कन्नौज के तमाम सारे जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको आप यहाँ तस्वीरों में देख भी पा रही होंगी। और सबसे खास बात यह है कि जब ये फैसला अखिलेश यादव की तरफ से लिया गया कि कन्नौज से वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो उसके बाद से यहाँ का समीकरण भी बहुत तेजी से बदला है। पहले ये कहा जा रहा था कि तेज प्रताप यादव जिनको पहले यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया था वो शायद अच्छा, तो क्या कोई इंफॉर्मेशन है कब तक पहुंच रहे हैं? ठीक 12 बजे उससे पहले पहुंच जाएंगे अखिलेश यादव परिवार के साथ? देखिए, अभी जो जानकारी हम लोगों को दी गई है उस लिहाज से 12 बजे उनको नामांकन करना है और उस नामांकन करने के बाद एक जनसभा को भी इसी समाजवादी पार्टी के दफ्तर में उनको संबोधित करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव से थोड़ी देर बाद यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, जब वो तमाम सारे जो समाजवादी पार्टी के वर्कर्स हैं उनके साथ मुलाकात भी करेंगे। और चूंकि नामांकन की प्रक्रिया है, उस नामांकन की प्रक्रिया को पूरी करने के लिए जो समाजवादी पार्टी के बाकी नेता हैं उनके साथ उनकी बातचीत पहले ही हो चुकी है, तो अभी थोड़ी देर बाद वो नामांकन करने जाएंगे। लेकिन ये बताया जा रहा है कि नामांकन
करने से पहले वो समाजवादी पार्टी के दफ्तर में आएंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं कि नामांकन से पहले यहाँ पर आएंगे, नजर बनाए रखिएगा। अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे हैं कन्नौज में कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेता कितने ज्यादा उत्साह से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।